विचार विचार किए गए। ये बड़ा संज्ञेय मसला है क्योंकि अगर ऐसा हम लोकतांत्रिक ढांचे को हम बचा नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर लगता है। मैं इसकी रिटर्न कंप्लेंट जो है चुनाव आयोग को भी करने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो ये देश है इसकी एकता खंडता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चलता है कि जहाँ हम एक फेयर इलेक्शन कराने के अभाव में रहते हैं वहाँ हम जो हैं ये देखते बगैर कि मतदान ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ, हम जो है यहाँ पे ओपिनियन पोल पूरे देश में चलाना शुरू कर देते हैं। और आज आप देखते हैं कि हमारी मशीनों के अंदर भी कई ईवीएम मशीन खराब पाई गई, कई ईवीएम मशीनों में देरी के कारण बड़ी बड़ी लाइनें लगी गई और लोगों को बहुत असुविधा हुई। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे एजेंट थे वो अपने जगह पे नहीं पहुँच पाए, वो सिग्नेचर का एक इशू रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, जहाँ हमारे एजेंटों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो डीसी महोदय से हमने इसके बारे में चर्चा भी की और उनसे निवेदन भी किया, परंतु उनकी तरफ से जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाई और 12:00-1:00 बजे तक हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं वो बूथ के अंदर नहीं घुस पाए। तो ये बड़ा संगीन मसला है। हमने कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं, परंतु आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा जहां सरकार का इतना दुरुपयोग किया हो और लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रहार किया हो।